मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका एजेंट का मेरा एजेंट बाइक मोड। दोस्तों हमने डिसाइड करा है कि मंडी जो है ना चिक्की में जाया जाए, गाड़ी लेके ना जाया जाए, उसके जा रहे हैं अभी हम मंडी की तरफ। दोस्तों हम फिर से निकल गए हैं बकरे देखने हसन भाई के साथ। तो ये दो में वो खीरा होगा, ये दो दांत का है, ये खीरा है। वो बोले खीरा है, एक जाए खीरा, ये नहीं। तू चार दांत वाला देख रहे ना है, बहुत चीज़ अच्छा है। तो क्या हो गया, क्या मांग रहा है? एक लाख चालीस हजार बोल रहा भाई। उसके खीरे का खीरे ही रहा है, ठीक है, पसंद कर ले, जो पसंद करते फिर उनकी बात कर लेते हैं। इसके तो 40 बोल रहा है, लेकिन चार दाम हाँ, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। वैसे तो चीज़ अच्छी है, नस्ल में भी अच्छा है, बनाओ भी अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ एक बार अच्छा बना दो, पहले ये कर ले जरा, काट दे ये के साथ देख रहा था, मैंने थोड़ा दो दांत हो जाएगा। हाँ ये दोस्तों बड़ा बकरा है, चार दांत हो रहा है इसकी, 1,60,000 रुपये डिमांड कर रहा है यहाँ पे। चार दांत हो रहा है अभी, इसने दांत गिराए हैं बस चार। पैंसठ हज़ार रुपये डिमांड कर रहे हैं इसकी। ये बच्चा है दोस्तों, ये बड़े हो गए इस वजह से, बड़े हो गए बच्चे माशाल्लाह। नस्ली हैं माशाल्लाह। क्या मांग रहे हैं इसके बच्चों में? बच्चों के साथ है, 1.5 लाख बकरे ना। हाँ बकरी लगी हुई भी है, लगी हुई डबल है, गारंटी का डबल है। अच्छा 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं दोस्तों। ये बच्चे हैं इसके साथ दो बड़े, ये बच्चे ही तकरीबन होंगे 4 महीने के, हाँ 4 महीने के बच्चा ही। और ये बकरी फिर से क्रॉस हो चुकी है, बकरी नस्ल में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये बच्चे अच्छे हैं। ये भी देखे करो यार, चीज़ अच्छी नया करो। हाँ 1.5 लाख रुपये डिमांड कर रहा है ये कराची से। दोस्तों ये बच्चे जो निकाले थे हमने, ये वही बच्चे हैं, और देख रहे हैं अभी हम इनका सौदा करीब था काफ़ी। तो भैया दोस्तों हमने हसन भाई से जो है बकरे उठा लिए, और ये हसन गोल्ड फार्म जो है डेरा गाजी खान से, और ये बच्चे उठाए हमने। सही है, वेट भी इंशाल्लाह बताता हूँ आपको करा। और ये बच्चे उठाए, 7 बच्चे हैं, सारे राजनपुरी हैं, कोई भी बच्चा जो है इसमें वैसा नहीं है। और आप माशाल्लाह से बच्चा बड़ा प्यार है, एक बच्चे का हल्का था कान कटा, वो मैंने अपनी ब्रीडर के लिए रखा है। सही है, ये 7 बच्चे जो हैं मैंने अभी परचेज करे हैं, सही है, डेरा गाजी खान से, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी मंडी आने की, तो यहाँ से ही जो है ना ये बच्चे मुझे मिल गए। छोटे बच्चे भी हैं कुछ उसमें, लेकिन नस्ली हैं वो, और जो थोड़े बड़े हैं वो थोड़े से नस्ल में हल्के हैं। सही है, यह आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू जो है बाड़े हैं, चारों तरफ आपको माल दिखेगा यहाँ पे, समझ रहे हैं? ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारे बकरे अभी जा रहे हैं, पूरे 7 बकरे अभी हम इनको लेके आ रहे हैं हसन भाई के बाड़े पे, क्योंकि हसन भाई ने भी अपने दोस्त से परचेज़ करवाए हमें ये, और जो है रेट्स वगैरह सारी डिटेल बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन दोस्तों इसकी मैं एक सुकून से आपको एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोगों ने देखनी है, और कि किस तरह से आपने यहाँ ख़रीदारी करने आना है तो आप फ़ायदे में रहेंगे, वरना आपको जो है नुकसान हो सकता है। क्योंकि मैं तो जो है मेरा देखें चैनल है, जिसकी वजह से जो है ना बहुत सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ जाता है चीज़ों में ना, समझ रहे हैं? मेरा चैनल है तो जिस लोग मुझे पहले से जानते भी हैं बहुत से लोग, फिर मेरा तारुफ हुआ हुआ है, तो हमें जो है ना वो इतनी आसानी से कोई जो है वो चूना नहीं ला सकता। लेकिन देखें आप नॉर्मल अगर आप आएंगे ना तो नॉर्मली जो है आपको चूना लगाना आसान हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा किस तरह से आपने अगर ख़रीदारी करने आनी है तो किस तरह से आनी है। और इसमें कुछ बच्चे जो है मैंने लिए बेचने के लिए भी, लेकिन इनको जाके घर चेक करूँगा, सारा दाने वाने पर लगाऊँगा, वैक्सीन करवाऊँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ये तो दोस्तों अब हम जो है जानवरों पर निशान लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं 1 नंबर का निशान लगा दिया हमने, क्योंकि पहचान भी रहती है, इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहा है ताकि पहचान रहे हमें कि जो है हम निशान जो लगा रहे हैं वो जानवर ही हमारे पास पहुँचें। और जो है हमने हसन गोट पाप से जानवर उठाए, तो उम्मीद है कि जानवर उसी तरह से हमारे पास पहुँचेंगे जैसे हमने उन पर निशान लगाया है। देखें थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन आपने डीजी खान से आने के बाद मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, वो आपने लाजमी देखनी है, उसके बाद आपने डीजी खान जाना है, डेरा गाजी खान जाना है और ख़रीदारी करनी है, कि वहाँ का कुछ तरीका तरीक़ेकार है ख़रीदारी का,
जो हमने खुद समझा, कुछ देखा, उसके बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से ख़रीदारी करनी है हमने यहाँ आके, सही है। तो वो वीडियोज़ आपने देखनी है पहले और उस हिसाब से आपने ख़रीदारी करनी है, चाहे वो फार्म से करें चाहे वो मंडी से करें, सही है। और ख़ास तौर से आपने ध्यान रखना है किन चीज़ों का, कि माल बिल्टी किस तरह करना है, क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है बिल्टी करते वक्त, और क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इंशाल्लाह आप लोगों से बैठ के डिस्कस करूँगा। और आपको पता है मैं कोई ढकी छुपी बात करता नहीं हूँ, खुल के बात करता हूँ हमेशा। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और एहतियात करेंगे, जितना नुकसान से बच सकते हैं बचेंगे। ऑनलाइन बिल्कुल ना ख़रीदें, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। जो जानवर आपको दिखा रहे हैं ये बकरे आपको दिखाएंगे ही नहीं ऑनलाइन में जो मैंने ख़रीदे, वो बकरे जो होंगे वो छोटे होंगे और जो है उसमें नुकसान होगा। तो ट्रस्ट वाले बंदे से काम करें। मैंने हसन भाई को देखा, मुझे इन पर ट्रस्ट हुआ तो यहाँ पर, तो मैंने इनके साथ काम करा। बाकी अल्लाह के भरोसे है, देखते हैं आगे किस तरह से चलता है। तो हसन भाई को रेकमेंड करूँगा मैं इंशाल्लाह, अगर मेरे बकरे सही सलामत यहाँ पहुँचे, सब कुछ हो जाता है सीधा सीधा, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दूँगा, सारी चीज़ें दूँगा। तो ये भरोसे का एक आदमी है, तो आप वहाँ जाके इससे मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है ना फ्रॉड ज़्यादा कर रहे हैं, भरोसा कम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मुझे पता है मेरे इतने लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो, बस मैं यही चाहता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को बकरे अच्छे लगे होंगे और इनके रेट्स भी मैं आप लोगों को सुकून से बिल्कुल सच सच बगैर झूठ के बताऊंगा। कोई फार्मर कोई यूट्यूबर नहीं बताता होगा जो मैं बताऊंगा। देख सकते हैं आप लोग जो है हसन भाई एंट्री कर रहे हैं और हम यहाँ से निकलेंगे। तो हसन भाई ये देखें आप, बोर्ड भी दिखा दिया हसन भाई का, सही है। और 7 बकरे हमने लिए और ये सुहरावकोट कराची पर उतरेंगे इंशाल्लाह। निशान हमने लगा दिए, वीडियो बना लिए, सही है। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा अभी एंट्री कर रहे हैं पूरी, तो अब ये बकरे जैसे मेरे पास पहुंच जाते हैं उसकी पूरी वीडियो मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, सही है। अनलोडिंग भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए, और आप लोग जब यहाँ आएँ तो किस पे ट्रस्ट करना है किस पे नहीं करना, वो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने आपको सबकी चीज़ें दिखा दी, हर चीज़ सामने है बिल्कुल, सारी वीडियोज़ आपने देखी हैं, सही है। किस बंदे का कैसा रिस्पॉन्स है, किस बंदे का काम कैसा है, सही है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो आप लोग आएँ जब, तो यहाँ पे आप लोग आके हसन भाई से मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे बकरे जो हैं माशाल्लाह से एक जगह जमा हो गए और प्यासे हो रहे हैं अभी तो, ये सही है। ये हमने निशान लगा दिए इनको, अब ये जो है हसन भाई, ये आप देख सकते हैं हसन भाई से ख़रीदे हैं मैंने। और बाकी डिटेल वीडियो आपको हसन भाई के चैनल पे मिल जाएगी। हसन भाई का चैनल का लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जो है विज़िट कर सकते हैं और इनके पास फार्म पे आगे विज़िट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इनके आप बैठे हैं सारी चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं, सही है दोस्तों। तो नंबर वगैरह भी मैं ऐड कर दूँगा इनका, तो आप लोग जो है यहाँ के हसन भाई से मिल सकते हैं। और मैंने जानवर लिए और डिटेल्स में इनकी कितने के लिए क्या प्रोसेस था पूरा, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।